अनूपगढ़ ज्योति चैनल में आप सबका स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। वार्ड नंबर 6 प्रेमनगर की एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। वार्ड नंबर 6 में बदमाशों के आतंक से वार्डवासी सहम गए और बदमाशों से भयभीत होकर घरों में दुबक कर बैठ गए। नशेड़ी प्रवृत्ति के बदमाशों से वार्डवासियों में सनसनी फैल गई तथा इससे ऐसा लग रहा है कि बदमाशों से पुलिस का खौफ हट गया है, जिसका ज्वलंत उदाहरण है कि 22 सितंबर की रात्रि करीबन 10 बजे 50-60 नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग एक राय होकर रानी बाबा के घर में ईंट पत्थर बरसाए और दीवार कूदकर मुख्य गेट खोलकर घर के अंदर घुस गए और अश्लील गालियां निकालते हुए दरवाजों पर ईंट पत्थर मारे। बाहर बाउंड्री में खड़ी कार, मोटरसाइकिल, कुर्सियां, चारपाई इत्यादि को तोड़ डाला। बदमाशों द्वारा करीबन 2-3 घंटे तक तांडव किया गया। मोहल्ले वाले डर कर घरों में दुबक गए, जबकि उनको सब सुनाई दे रहा था। पुलिस को फ़ोन किया गया। करीबन 2 घंटे बाद पुलिस वहां मौका पर पहुंची। पुलिस के आने की भनक मिलते ही बदमाश घटनास्थल से भाग खड़े हुए। इस आशय का मुकदमा 23 सितंबर को रानी बाबा ने पुलिस थाना में पहुंचकर दर्ज करवाया और उसमें करीबन 1.5 दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा और 50-60 अन्य को भी बताते हुए मुकदमा दर्ज हुआ। आरोपियों ने दर्शन सिंह के कंधे पर, जीत सिंह के पैर पर ईंट पत्थर की दे मारी और उनके चोटें आई हैं। बाउंड्री में खड़ी कार, मोटरसाइकिल, कुर्सियां वे चारपाई को तोड़ डाला। अगर कमरों में वो लोग डर के मारे नहीं घुसते तो बदमाश परिवार को जान से मार देते, क्योंकि बदमाशों ने पूरी तैयारी से जानलेवा हमला बोल दिया था। पुलिस ने धारा 452, 323, 341, 336 IPC में मुकदमा दर्ज कर जांच सहायक उपनिरीक्षक कमल लाल मीणा को त्वरित कार्रवाई करते हुए इन बदमाशों को गिरफ्तार करना चाहिए, ताकि आम जन अपने आप को सुरक्षित समझे और वार्ड में शांति व्यवस्था बनी रहे। ये पत्थर वगैरह आपके घर मारे हुए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणजीत कौर रानी बाबा। अच्छा, ये क्या बात हुई, कौन आ गए और ऐसे पूरे घर में पत्थर मार दिए और तोड़ फोड़ किए? हम खाना खा रहे थे, बाहर बैठे थे, चूल्हे पे खाना बनाया था और इनके हाथों में पत्थर थे और दरवाजा तोड़ के अंदर बढ़ गए, बड़े वाला खोल के ऊपर से आके पत्थर मारने लगे तो हम अंदर बढ़ गए। गाड़ी तोड़ दी, व्हीकल तोड़ दी, जो भी सामान था, कुर्सियाँ वगैरह सब तोड़ के चले गए और 15,000 रुपया था गाड़ी में, गाड़ी के लोग वो तोड़ दिए सब। तो कौन थे, कौन आपको कोई ध्यान में देखा आपने, कौन थे? हाँ जी, एक बाबा सिंह का लड़का था और एक जेठू राम लड़का था और काफ़ी सारे लोग थे जो उनकी वहाँ का पहचान भी है और देख भी ले थे ऊपर चढ़ के हमने कौन आ रहे हैं। बहुत सारे पत्थर फेंक रहे थे, बहुत सारे हालात ख़राब कर दिया हमारी उन्होंने आके। तो आपने इसका पुलिस में मुकदमा करवा दिया? हाँ जी सर, करवा दिया। तो क्या कहा पुलिस वालों ने? पुलिस वालों ने बोला 60-70 आदमी थे, उनके नाम भी दे दिए हमने जो जो जो, जो सामने थे हमारे, और वो पुलिस वाले आए थे कल, मौका मैना देख के भी गए। पुलिस मौका मैना देगी? हाँ जी, ये 2 घंटे तक उन्होंने यही शोर पाया कि पत्थर बहुत सारे फेंके, हालात ख़राब कर दी। 15,000 रुपया भी निकाल लिया गाड़ी से और मोटरसाइकिल भी तोड़ दिया और जो कुर्सियाँ वगैरह था सब तोड़ दिया। हम खाना भी सारा खराब हो गया, यहीं पड़ा था, खा रहे थे। अच्छा, जिस समय ये आपके पत्थरबाजी हो रहे थे तो आपने पुलिस को फ़ोन किया था? किया था, 2 घंटे लेट आई पुलिस। रात को ही आ गई थी क्या पुलिस? हाँ आ गई थी, 2 घंटे लेट आई। चले गए इतने में? हाँ चले गए, भाग गए, देख के चले गए। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दर्शन सिंह है। अच्छा, उस दिन क्या हुआ फिर आपके? मैं गेट बंद करके वापस आ रहा था, पीछे से उन्होंने गेट खोल के मेरे ईंट मारी और एक लड़के की ईंट मारी, एक लड़के का पैर फ्रैक्चर हुआ और मेरे पीठ में दर्द हुआ, बाएं दाएं मोड़े में। अच्छा, मोड़े पे लगी? हाँ जी, मोड़े पे लगी है और एक मेरे पैर पे लगी है और
ये खाना खा रहे थे, उस खाने के अंदर सारी मिट्टी डाल दी उन्होंने, दगड़ मार मार के, पत्थर मार मार के। कितने कितने लोग थे? कुल 17 आदमी थे, कुल 30-40 अंदर आ गए, 40-50 बाहर खड़े थे। अच्छा, फिर आपने क्या किया बचाव के लिए? बचाव के लिए हमने गेट बंद किया और अंदर घुस गए। अच्छा, अंदर घुस गए। फिर कितने टाइम तक वो पत्थर मारते? वो 2 घंटे तक पत्थरबाजी होती रही। अच्छा, पुलिस भी लेट आई क्या फिर? पुलिस 2 घंटे लेट आई, पुलिस ने हमको फोन कर करके अक गए, फिर 2 घंटे बाद पुलिस आई। अच्छा, पुलिस ने अभी तक किसी को पकड़ा या नहीं पकड़ा? अभी तक किसी को नहीं पकड़ा। मुकदमा दर्ज करवा दिया? मुकदमा दर्ज करा दिया। चलो ठीक है जी। हेलो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अनुप्रज्योति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।